इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करके रफली 6178 रुपए का जो सेल वैल्यू है वो जनरेट किया है, ये मेरा टीडीएस नहीं है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपने जिस भी इंडियन प्लेटफॉर्म को यूज किया है, उन्होंने हमें डेटा भेजा है, उसके अनुसार आपने जो भी कॉइन को सेल किया है उसका इतना सेल वैल्यू आपका बन चुका है। अगर मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूंगा जहाँ पे लिखा है रिसिप्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सोर्स का जो ऑप्शन मिलता है उसमें कंपनी का नाम देखने के लिए मिलेगा जिसके अंडर जो एक्सचेंज है वो आता है। आपको यहाँ पर कॉइन डीसीएक्स या फिर कॉइन स्विच प्रो या फिर कोई भी अदर एक्सचेंज है उसका नाम देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो कौन सी कंपनी के अंडर आता है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आपने कॉइन स्विच प्रो के माध्यम से जिस भी कॉइन को बाय किया है उसके बाद में आपने प्रॉफिट में या लॉस में उस कॉइन को सेल कर दिया है, या पहले से आपके वॉलेट में कोई भी कॉइन था आपने उस कॉइन को सेल किया प्रॉफिट में या लॉस में, तो आपका जितना भी टीडीएस कटा है जो कि कॉइन स्विच प्रो ने काटा होगा और वो टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया होगा, तो आप किस प्रकार से आप अपने टीडीएस की जो समरी है वो देख पाएंगी कि जो भी एक्सचेंज पर आप ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कॉइन स्विच प्रो पर किया है, तो क्या उन्होंने आपका जो टीडीएस है वो जमा किया है या नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर टीडीएस नहीं दिखता है उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। इसके अलावा अगर आप कॉइन स्विच प्रो के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको क्रिप्टो टैक्स के बारे में डिटेल में सीखना है या कैलकुलेट करना सीखना है तो सेकंड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेट का, इसमें आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे। सो टीडीएस की समरी देखने के लिए सबसे पहले स्टेप है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर आना होगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर तो सबसे पहले अकाउंट बनाना होगा। कैसे अकाउंट बना सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे लॉगिन एंड रजिस्टर का, सो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा एंट्री योर यूजर आईडी, यहाँ पर आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो आपको प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में आपको यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा, आपका जो भी सिक्योर मैसेज है उसको आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद में जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आप यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ऊपर काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप ई फाइल पे आएंगे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न्स का। जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऑप्शन पे आएंगे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में एक डिस्क्लेमर और कुछ बेसिक डिटेल आपको दिखाई देंगे, आप इनको पढ़ लें। उसके बाद में आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे एक नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा, अगेन आपको यहाँ पर एक पॉपअप दिखेगा, आप यहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप क्या क्या देख सकते हैं 26AS में, उसके कुछ बेसिक हाईलाइट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। आपको यहाँ पर नीचे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अगेन आपको नेक्स्ट पेज पर भेज दिया जाएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर असिस्टमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 24-25 असिस्टमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो आईटीआर फाइल है वो करूंगा, और फॉर एग्जांपल मैं उसी का जो टीडीएस समरी है वो देखना चाहता हूँ कि कॉइन स्विच प्रो ने वो जमा किया है या फिर नहीं। उसके बाद में आप कैसे देखना चाहते हैं, तो मैं HTML को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद में व्यू पे क्लिक करूंगा। व्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना होगा, आपको यहाँ पर पार्ट वन में आना है। पार्ट वन में ही आपको उन सभी कंपनियों के नाम देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्होंने आपका टीडीएस डिडक्ट किया होगा और उन्होंने आपका जो टीडीएस है वो जमा कर दिया होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसकी आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर टीडीएस की जो समरी है वो देखने के लिए ना मिले, आपका टीडीएस तो कट चुका है। सो बेसिकली मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 फरवरी 2024 को, एंड फिलहाल जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड हुआ ही नहीं है 23-24। सो जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा यानी कि 31 मार्च को एंड हो जाएगा, उसके 1-2 महीने के बाद में जो आपका टीडीएस होगा जो कि कॉइन स्विच प्रो ने काटा होगा वो टीडीएस आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एक नया फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च को एंड हो जाता है। सो उसके बीच का जितना भी आपका टीडीएस कटता है वो आपका टीडीएस जमा कर दिया जाता है, जिसमें 1-2 महीने लगते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में। अब मैंने यहाँ पर प्रीवियस फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कर लिया है। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जेनमेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। सो ये वजीरेक्स की कंपनी है। सो यहाँ पर मुझे वजीरेक्स का नाम देखने के लिए नहीं मिलेगा। वजीरेक्स जो एक्सचेंज है वो कौन सी कंपनी के अंडर आता है, सो उसका नाम मुझे यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे आप देखेंगे फोर्थ नंबर पे है कॉन्डिसिक्स, सो कॉन्डिसिक्स की कंपनी का नाम लिखा है न्यू ब्लू, ऐसा नहीं लिखा कि कॉन्डिसिक्स। एंड जितना भी मेरा टीडीएस डिडक्ट किया था वो टीडीएस अमाउंट मुझे यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा अदर भी कुछ कंपनी है जिन्होंने मेरा टीडीएस डिडक्ट किया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, सो उनकी डिटेल मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अभी जितना भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है ना टोटल अमाउंट पर हुआ है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सो जो भी मेरा अमाउंट डिडक्ट हुआ है टीडीएस के फॉर्मेट में वो मैं क्लेम कर सकता हूँ जब मैं आईटीआर फाइल रिटर्न करूंगा। और अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो आईटीआर फाइल रिटर्न करना चाहते हैं, टीडीएस को क्लेम करना चाहते हैं, परंतु आप किसी सीए को जानते ही नहीं है, उस कंडीशन में मैं कुछ सीए को जानता हूँ जिनसे मैं खुद अपना आईटीआर फाइल रिटर्न कराता हूँ, एंड कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से भी आप आईटीआर फाइल रिटर्न करा सकते हैं। सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं सो कमेंट करके पूछ सकते हैं।